जगजीत बेदी हेयर फ्रॉम शेड्स इंटरनेशनल, ए क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम सीनियर्स लोगों के लिए बहुत प्यारी बहुत सुंदर राखी बनाएंगे। ये थोड़ी एंटी ग्रुप में थोड़ी बीड्स की और थोड़ी कलरफुल बीड्स की हो सकती हैं। तो करते हैं स्टार्ट। ये मैंने सुई धागा लिया, इसमें डबल धागा डाला है और मैं एक एक करके आपके सामने ये बीड्स डालूंगी। एक छोटा गोल्डन बीड लूंगी, एक बीड्स ये कलरफुल लूंगी, फिर एक गोल्डन बीड लूंगी पतला सा, फिर एक ये आसमानी लूंगी कलर, फिर एक गोल्डन बीड डालेंगे, फिर एक ऑरेंज लेंगे। इस तरह से मल्टी कलर के बीड्स लेते जाएंगे और हर बीड्स के बाद एक गोल्डन पतला सा रिंग है वो डालते जाएंगे। आप देखिए पतला सा रिंग मैं अभी दिखाती हूँ। ये गोल्डन मैंने एक पतला सा डाला है और इस तरह से ये मैंने सारे डाल लिए। अब मैं ये जो है इसका इसको उल्टी दिशा से डालूंगी ताकि जैसे मैंने आगे डाला है उसी तरह से ये डल जाए। तो देखिए ये इसकी लुक इस तरह से आएगी जैसे बाजार में राखी मिलती है। एक गांठ हमने यहाँ लगानी है, एक गांठ यहाँ लगानी है जिससे ये सरके ना, और इस तरह से हम इसे यहाँ से दूर से काट देंगे। जितना धागा छोड़ना है आप छोड़ सकते हैं, बड़े से बड़ा धागा ले लें और एक नॉट इधर लगा देंगे, एक नॉट इधर लगा देंगे तो ये हमारी राखी बन जाएगी। आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं आपको दूसरी राखी बनाकर दिखाती हूँ एंटीक पीस से। ये बहुत प्यारी बहुत सुंदर राखी है एंटीक लुक में, आप देख सकते हैं। ये मैंने एक ढोलकी वाला डाला है, एक ड्रम वाला, फिर एक ढोलकी, फिर एक ड्रम, एक ढोलकी, फिर एक ड्रम डालने जा रही हूँ। ये एंटीक लुक में एंटीक बीड्स हैं, फिर एक ढोलकी, फिर एक ड्रम, फिर एक ढोलकी, इस तरह से ये मैंने ले लिया और ये मेरी राखी तैयार हो गई। आप देख सकते हैं ये बड़े लोग पहनते हैं, बड़ी सुंदर लगती है और ये सिल्वर लुक में है। आप देख सकते हैं एक नॉट हम इधर लगा देंगे, एक नॉट इधर लगा देंगे ताकि बीड सरके ना। अब मैं आपको एक और कलरफुल बनाकर दिखाती हूँ। ये मैंने एक स्प्रिंग बीड डाला है, एक स्टोन बीड, फिर एक रेड कलर का मैंने बीड डाला है, फिर एक स्टोन, फिर रेड, अब फिर यहाँ पर मैं स्टोन बीड डालूंगी एक, ये डल गया आसानी से। फिर मैं यहाँ पर रेड वाला बीड डालूंगी, गोटा पत्ती इसमें लगी हुई है, फिर मैं एक इस यहाँ पर स्टोन बीड डालूंगी, इस तरह से ये डल गया। फिर मैं ये स्प्रिंग बीड डालूंगी, ये देखिए इस तरह से ये भी डल गया आसानी से। अब मैं इसके चार दोनों तरफ इसको सेंटर में ला के इस तरह से, इसको हम इस तरह से सेंटर में ला के, तो फिर हम सेंटर में ला के साइड में दोनों तरफ नॉट लगा देंगे, एक एक नॉट लगा देंगे जिससे कि ये आगे पीछे ना सरके। मैं नॉट लगा कर दिखा देती हूँ आपको। ये आपने एक नॉट लगा दी और नॉट को बिल्कुल पास ले जाए, सरकाए ना इस तरह से, और बहुत खींचना नहीं है नॉट को। और एक नॉट आपने इधर लगा दी, बिल्कुल पास ले जाए, बीट के एकदम पास ले जाए, नॉट की जो नॉट का रिंग होता है इसको बिल्कुल बीट के पास ले जाए इस तरह से। अब ये किधर भी नहीं सरकेगा। अब देखिए ये ना इधर सरकेगा ना इधर सरकेगा, सेंटर में रहेगा। तो आपने देखा ये कितनी प्यारी राखी बनी है। और ये राखी हमने पहले बनाई थी, देख सकते हैं आप, ये डबल बीड्स की वाइट राखी, वाइट बीड्स ने डबल राखी है और ये बिग बीड्स के साथ है। तो आपने देखा ये सीनियर लोगों के लिए हमने किस तरह की प्यारी राखी बनाई, आप देख सकते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, गुड लक, ट्राई कीजिएगा जरूर।